हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर में जो हिंसा हुई थी। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका बेसिक चीजें समझाई थी, आखिर में दिक्कत क्या है और क्यों ये हिंसा भड़ की थी। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये चीजों के बात नहीं हो रही है, बहुत सारे न्यूज चैनल है जो वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसपे हमें इसपे जो बेसिक चीजें हैं वो देखनी है और फंडामेंटल चीज जो है वो भी देखूंगा। तो मैं जो एक्सप्लेन टॉपिक लाता हूँ उसमें हर एक चीजें बताता हूँ, वही चीजें हम उसमें देखेंगे। तो इसमें हुआ क्या है कि जो मेतई और देखेंगे कुकी समुदाय है, तो ये दोनों आपस में मतलब इतना ज्यादा भिड़ गए हैं जैसे मतलब जान के दुश्मन हो गए हूँ। एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते हैं वहां पे और हिंसा बहुत ज्यादा भर की है। अभी देखेंगे सेना कितने दिनों से तैनात है, तो मई से लेके आप अभी तक देखेंगे कि सेना तैनात है, लेकिन कोई भी मतलब अभी हिंसा होते रह रही है और कहीं भी मतलब दंगा भड़क जा रहा है। तो इसमें हमें यही देखना है और हम बेसिक चीजों को तो देखेंगे ही। और फिर से मैं थोड़ा सा आपको कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा जो मैंने पहले बताया था, तो अभी आप अच्छे से मुद्दे को जान सकते हैं। और जो अभी करेंट में टॉपिक है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा कि अभी चल कर रहा है वहां पे, क्योंकि अभी देखेंगे सर्वदलीय बैठक हुई थी, सभी जो मतलब उसमें अपोजिशन और जो सरकार में है वो लोग बैठे थे और पूरी तरह से जो अपोजिशन है वो बोल रहा है कि वहां जो मुख्यमंत्री है उनको हटाया जाए, उन्हीं की वजह से ये चीजें हो रही है। तो ये बताया गया है मतलब वो सही से नहीं कर पा रहे हैं टैकल। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि पूरे ईस्टर्न जो मतलब स्टेट है वहां पे ये हिंसा फैल सकती है, क्योंकि जो समुदाय के लोग हैं तो अब देखेंगे तो एक तो पहले से ही वहां पे आसपास लगा हुआ था आपसे जो कानून है, तो ये लगा हुआ था कानून मतलब इसके तहत जो सेना होती है इसको बहुत पावर मिल जाती है, तो ये लगा हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले हटा है वहां से और फिर बहुत सारे मतलब जिलों में लगा भी है, डिस्ट्रिक्ट में जो देखेंगे। तो इससे मतलब ये बोला जा रहा है कि जो असम है चाहे त्रिपुरा देख सकते हैं, तो इनपे भी सांप्रदायिक जो रहते हैं दंगे भड़क रहते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि फिर से यहाँ पे उग्रवाद जो है ये पहले से मतलब इंसर्जेंसी देखेंगे, नक्सलिज्म ये सब फिर से बढ़ सकता है, तो इसमें ये बताया जा रहा है। तो इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि बहुत सारे न्यूज चैनल पे अभी नहीं आप देखने को मिलेगा, न्यूज चैनल वाले कवर ही नहीं कर रहे हैं। तो यही हमें इसमें देखना है और ये हमारे मतलब देश का समझिए अभिन्न अंग है और देश के लोग हैं, अपने भाई बहन है, तो उनके बारे में भी बात होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत डर का माहौल है और डर के माहौल से आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो समझिए मिजोरम में जा रहे हैं मणिपुर से लोग भाग कि आप देखेंगे नागालैंड में जा रहे हैं भाग के लोग, वहां पे शरण ले रहे हैं क्योंकि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। तो देखिए जो समझिए जो ग्रुप होता है संप्रदाय जो करते हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो आम पब्लिक उसमें थोड़ी ही कर सकती है उनसे फाइट। तो आम पब्लिक को दिक्कत होता है जो कि भाग के जा रही है दूसरे मतलब जो स्टेट है वहां पे, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो कि अभी मतलब सभी का है नजर वहां पे, लेकिन जो आम पब्लिक है भारत की उसकी नजर बिल्कुल नहीं है वहां पे। तो ये हमें इसमें देखा है। तो अब मैं आपको धीरे धीरे एक चीज है डिस्कस करते चलता हूँ तो आपको अच्छे से चीजें समझ। ये मतलब घटना देखेंगे शुरू कब हुई थी, तो शुरू हुई थी 3 मई को देखेंगे, जो हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट वहां पे जैसे फैसला देता है कि मतलब ये जो मैतई समुदाय वाले हैं तो मैतई समुदाय को किया क्या जाए कि एसटी में डाला जाए, एसटी ग्रुप में डाला जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैतई समुदाय वाले हैं तो वो शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं कि हम एसटी में ही थे, ब्रिटिश काल में हमें नहीं डाला गया। तो 1949 में मतलब जो मिजोरम है तो वहां के राजा ने फिर यहाँ पे साइन किया था इंडिया से मिलने के, इंडिया के संघ में शामिल हुए थे, उस टाइम से ही इनका मांग उठते आ रहा है। और 1970 के देखेंगे दशक में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे देखेंगे कि वहां पे उग्रवादी जो थे समूह एक्टिव हो जाते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना। 1980 में तो देखेंगे आप सुपर कानून लगाना पड़ता है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट देखेंगे, इसके तहत मतलब जो सेना है वो कार्रवाई कर सकती है, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तलाशी ली जा सकती है, ये सब होता है इसमें। तो ये लगाया गया, फिर वहां पे मतलब शांति अभी बन ही रही थी, देखेंगे कुछ दिनों से देखेंगे शांति बन रही थी तब तक ये घटना हो जाती है यहाँ पे, और ये घटना होती है। मैतई समुदाय वाले समझिए एसटी में आने का क्यों बोल रहे हैं, इनकी पहले जनसंख्या आप देखेंगे तो मैतई समुदाय की जनसंख्या बताई जाती है कि 60% थी पहले, ये घट के 53% ही रह गई है, तो ये बताया जाता है इसमें। और जो मैतई समुदाय वाले हैं अधिकतर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं वहां पे, और अगर आप पॉपुलेशन का थोड़ा सा क्राइटेरिया इसमें देखिएगा तो मैतई समुदाय वाले में समझिए कि 41% हिंदू होंगे और वहां पे आप समझिए कि 8% मुस्लिम है, और फिर आप ईसाई जो है तो ईसाई भी आपको 41% देखने को मिलेंगे और बाकी जो है वो अदर जनजाति हैं। तो अब ईसाई में है तो ज्यादातर ईसाई मानने वाले कुकी और नागा जनजाति हैं, तो इन्हीं का लेके दो जनजातियों में भी ये ज्यादातर उग्रवाद फैल रहा है यहाँ पे, इसके वजह से आप देखेंगे दो ही जनजातियों में देखेंगे उग्रवाद फैल रहा है यहाँ पे, कुकी और मैतई। मैतई वाले बोला जा रहा है हिंदू है और वो ईसाई है, और देखेंगे लगभग की 200 जो चर्च है उसको तोड़ दिया गया है वहां पे,
और फिर देखेंगे 200 चर्च तो तोड़ा ही गया है, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे मतलब 17 मंदिरों को भी तोड़ा गया है, तो मंदिरों को तोड़ा गया है। तो इसी वजह से ये बोला जा रहा है कि ये घटना जो है अदर स्टेट में भी फैल सकती है, हिंदू जो संगठन है वो आ सकते हैं इसमें, और बाकी भी जो जो मतलब जिसके समर्थन में है वो मतलब उग्रवाद अधिकतर फैल सकता है इसमें, ये बताया जा रहा है। तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इन लोगों को। तो ये पॉपुलेशन का मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, 8% मुस्लिम है और 8% आप मुस्लिम है, तो आप मान के चलिए कि 41% वहां पे हिंदू है जो कि मैथई समुदाय से बिलोंग करते हैं ज्यादातर लोग उसमें, और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 41% ईसाई है। तो काफी कन्वर्जन किया गया था जब आप देखेंगे ब्रिटिश रूल था तो उधर हुआ था बहुत ज्यादा। तो ये आपको देखने को, और मतलब आप समुदाय का अगर जनसंख्या भी जानना चाहे तो इसमें समझिए 53% जो मैंने बताया इसमें आपको मिलेगा मैतई समुदाय वाले, 8% मुस्लिम समुदाय वाले, 16% आपको देखने को मिलेगा कुकी समुदाय वाले, और 24% आपको मैतई समुदाय वाले, और बाकी अन्य है जो ट्राइबल है छोटे बहुत। तो ये है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, तो उसने मतलब ये नागालैंड में नागालैंड का समूह है जो कि उनके मतलब जो हित है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे चेतावनी भी दी है कि अगर मतलब नागा जो समुदाय है उसको कुछ किया जाता है तो फिर वो वहां पे आएंगे। तो अब समझिए कि ये जो मणिपुर है तो उससे बाहर भी ये फैल सकता है चीजें, ये बताया जा रहा है इसमें। तो ये एक मुद्दा यहाँ पे बन रहा है, और मतलब ये जो नागालैंड वाले हैं तो ये तो ग्रेटर नागा की मांग कर रहे हैं, तो मणिपुर में समझिए मणिपुर से काट के बोलते हैं कि ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए, जिसमें से मणिपुर के इलाकों मतलब जहां जहां नागा लोग रहते हैं वहां से काट के इलाकों को, और सारे जो नागालैंड पूरे दुनिया में जो नागा जनजाति है उनको बुला के वहां पे बसाया जाए उसमें म्यांमार से। तो अब हम अपने देश से तो दे सकते हैं समझिए, अगर ऐसा होता भी है तो अभी तो नहीं है ऐसा, लेकिन दे सकते हैं। लेकिन अब समझिए म्यांमार से हम कहां से मांग के देंगे, अपने देश से तो दे सकते हो, दूसरे के देश से कहां से दे सकते, तो उसमें मतलब ये ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि नागालैंड में भी ये दंगा जा सकता है, जो कि जल्दी से जल्दी इसको शांत करना होगा। और इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रही है, ये जो मतलब ज्यादातर वहां पे टारगेट किया जा रहा है तो फोर्स को टारगेट किया जा रहा है, जो सेना है आर्म फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस को टारगेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि पुलिस में कौन होंगे, वही समुदाय के लोग होंगे, स्टेट के लोग ही पुलिस में भर्ती किए जाते हैं, तो पुलिस को वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर यहाँ पे मतलब टारगेट किया जा रहा है सेना के लोगों को, क्योंकि सेना तो कहीं से भी भर्ती हो जाती है, ऑल इंडिया में कहीं से भर्ती की जाती है, तो ये भी एक देखने को चीजें मिलती है। और यहाँ पे मतलब ऐसा बोला जाता है कि उग्रवाद क्यों इतना है, तो उग्रवाद के लिए यहाँ पे देखेंगे इंसर्जेंसी ये सब के लिए, नक्सलिज्म इन सब के लिए सुटेबल एरिया बनता है, ज्यादातर एरिया पहाड़ी है। देखेंगे मतलब पूरी तरह से स्टेट का 10% लैंड ही अगर आप देखें तो यूज का है, मतलब जो कि समतल है, बाकी पहाड़ी जंगल ये सब एरिया है। तो इस वजह से यहाँ पे की जाती है, देखेंगे अफीम वगैरह की खेती की जाती है, और इसमें संलिग्न होते हैं वहाँ के जो ग्रुप होते हैं काफी, वहाँ पे ग्रुप देखेंगे आप ग्रुप बना के रहते हैं, और वो नशीले पदार्थों का वहाँ पे खेती होती है, और खेती के लिए देखेंगे अब स्टेट से तुम्हें तो लोहा लेना पड़ेगा, उसके लिए हथियार भी लेते हैं, हथियार इनको मिल जाता है आराम से म्यांमार वगैरह से, चाइना भी उधर से म्यांमार के थ्रू प्रोवाइड कर देता है, और फिर ये इंसर्जेंसी में लग जाते हैं वहां पे, उग्रवादी करते हैं और ये सब चीजें करते हैं वहां पे इस वजह से। और मैतई समुदाय का एक ये मुद्दा है कि मतलब इनके पास लैंड ज्यादा है नहीं, और ये मतलब जब तक वहां पे अब है ईस्टर्न मतलब स्टेट में ट्राइबल एरिया में आप नहीं आते, मतलब कि ट्राइबल आप नहीं घोषित होते हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब घोषित होइएगा तभी आप जमीन खरीद सकते हैं। तो इनके पास जमीन ज्यादा नहीं है मैथई समुदाय के पास, तो ये बोला जाता है तभी जमीन खरीद सकते हैं, और भी मतलब जो शेड्यूल ट्राइब में जाने का फायदा होता है वो इनको मिल सकता है, तो इसीलिए ये शेड्यूल ट्राइब में जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको खरीदना है जमीन, जमीन आप तभी खरीद सकते हैं जब तक आप शेड्यूल ट्राइब में वहां पे नहीं जाते हैं। तो इसीलिए ये बोला गया था मतलब कि हाईकोर्ट द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मतलब सुझाव दे स्टेट गवर्नमेंट, तभी से ये दंगा भड़कता है वहां पे। कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी से समझिए वहां पे ये मतलब दंगा और ये सब चीजें चलती हैं, तो ये ब्रिटिश रूल था तब से ही आप देखेंगे कि वहां पे ये चीजें चलती थी हमेशा, मतलब कि सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे वहां पे ब्रिटिश के कारण भी, क्योंकि वहां जो संसाधन है तो वहां के लोग नहीं चाहते हैं इतना मॉडर्नाइज होना जितना यहाँ के लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन करना भी चाहते हैं तो हो नहीं पाता है सही से, ये लोग कर भी नहीं पाते हैं, जो कोई भी स्कीम होती है तो ग्राउंड लेवल पे पहुंचती नहीं है, ऊपर के जितने अधिकारी हैं जाते हैं वहां पे, बहुत पैसा दिया जाता है मतलब जो सिस्टम मतलब स्टेट है हमारे पैसा दिया जाता है लेकिन ग्राउंड लेवल पे पहुंच ही नहीं पाता, और वो लोग ज्यादा पर्यावरण के हितैषी हैं, ट्राइबल लोग हैं तो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं वहां पे, जो कि वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग मैतई समुदाय वाले आए एसटी में और ये फिर वहां पे जमीन खरीद सके, पर्यावरण का दोहन कर सके। ज्यादातर इनका देखेंगे पॉलिटिकल में सीट भी इनके पास है,
तो ये उनका मतलब तर्क है वहां पर। ब्रिटिश रूल में भी आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा वहां पे मतलब होते थे ट्राइबल विद्रोह, अनगिनत ट्राइबल विद्रोह वहां पे हुए हैं, तो ये देखने को मिला है। लेकिन मतलब गवर्नमेंट की शुरू से देखेंगे पॉलिसी कुछ अलग रहती है, और पॉलिसी चेंज हुई है, मतलब वहां पे आम लोगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर से ये दंगा भड़क गया है। तो ये देखिए, ये जल्दी से जल्दी शांत होना चाहिए, नहीं तो ये बोला जा रहा है कि पूरा ईस्टर्न स्टेट है उसमें फैल सकता है। तो ये टोटल मुद्दा है, समझिए ये मुद्दा मतलब जमीन को लेके है, जमीन खरीदने को। ये नहीं चाहते हैं नागा और कुकी समुदाय वाले, ये ट्राइबल है कि ये लोग उसमें शेड्यूल ट्राइब है, इसी को लेके हुआ था। और एक बार जब दंगा भड़कती है, समझिए जब लोग मरते हैं, समझिए दोनों तरफ से लोग मरे होंगे तो फिर इसमें क्या होता है, जो गांधी जी ने बोला था एक आंख मतलब के बदले दूसरा आंख लेने को मतलब पूरी दुनिया को अंधा कर सकती है। अगर मेरा आंख कोई फोड़ दिया तो मैं भी उसका एक आंख फोड़ ले जाऊं, तो ये पूरी दुनिया को अंधा कर देती है। वो चीज बिल्कुल सटीक यहाँ पे बैठी है। जैसे दंगा हुआ है, बहुत ज्यादा लोग एक समुदाय से मर गए, तो अब होगा क्या कि जो उस समुदाय के लोग हैं वो भी चाहेंगे बदला लेना, तो फिर ये दंगा रुक नहीं पाता है। लोग मतलब समझिए कि ताक में रहते हैं कैसे हम उनको मार सके, तो ये मतलब चलते रहता है। फिर इधर के लोग मारेंगे, फिर उधर के लोग मारेंगे। तो ये गांधी जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जो लोगों को मतलब समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब बंद करके यहाँ पे मतलब जो पीसफुली रहना चाहिए वहां पे, ये बताया जा रहा है। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जितना मुद्दा था मैंने आपको बता दिया।